करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरण मरे हो मारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुर्सबे तुम काहु आपते मोहे बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सभी करतारा मोर शानिज करते करिया सब बरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर पजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड को अमर न त्याहू हेलो जी माँ बाप का जल्दी मरना कभी हादसा नहीं लगता, कभी मौत नहीं लगती, सिर्फ धोखा लगता है। खाली किसने दिया समझ में नहीं आता। क्या कर रही है? कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। मुफ्त की तस्वीर नहीं बहा सकते क्या? उसके लिए भी चाय चाहिए इनको। बाहर का कोई नहीं भैया, बस अभी दादाजी और बुआ जी को ही चाहिए। छोटी बाथरूम में रो रही है, उसे पानी दिया, ये मैं लेके जाता हूँ। कॉलेज पूरा होन तक वो खुद थोड़े को ही रहेगा। पापा जी मैं तो ज्यादातर टूरते ही रहना, पिछे घर पम्मी संभाल दी है, वो ही मालक हैगी। तो हुण तुसी दोनों मिलके जो भी फैसला लोगे मेरे सर मत्थे ते आएगा। पापा जी असी अपना ते दूजा कदी कीता ही नहीं, पर ना साड़ी कोल रहन दी जगह ना पालन दी गुंजाइश। थोड़े कोलो कुछ छुपया थोड़ी है, हुण तुसी दसो एना हालत च मैं जिम्मेदारी किवें चुकां। मैं समझना पुत्तर, मैं समझना। जिम्मेवारियां लैण दी उम्र विच बेटा सारियां जिम्मेवारियां मेरे ते पाके तुर गया है। पर तुसी खर्चे दी कोई चिंता ना करना, ओ मैं मोहन दी एफडी चों ते अपनी पेंशन चों सारे खर्चे करांगा। पर उसके सिर ते हाथ तो तुसी लोगों ने रखना है ना। मैंने कहीं नहीं जाना, यही रहना है, सोनू और छोटी का ख्याल रखना है।
ਮੰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਮੱਖਣ ਲਾਣਾ। ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁਕੋ। ਬੂਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਕਾ ਤੋ ਖਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਸਾਲਾ। ਅਭੀ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਕਾ। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं था नसीब में। नसीब में थी इन सब की खिचड़ी, बीए पास। खड़ा क्यों है? धुआं खींचना है? बुआ जी वो क्या चाहिए? वैसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बुआ जी मुझे 1000 रुपए चाहिए, पर्चे छपवाना है, ट्यूशन देने की सोच रहा हूँ। जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही मैं आपको। बेटा बीज बोते ही फल खाने के सपने नहीं देखने चाहिए। कभी कभी पेड़ नहीं भी उगते। नहीं मिली ट्यूशन तो तेरे दादाजी कोई करोड़ों तो भेजते है नहीं। ऐसे फिजूल ख्याल में पैसे वेस्ट नहीं करते। जी बुआ जी। जिसके कई दीवाने दफन है यहाँ, कोई निकल कर खेलने आ गया तो तलाशी लेने दे। तलाशी? मैं कोई चोर हूँ क्या? ये दिल्ली है, यार कोई चोर है? ये अच्छे टाइम में प्लॉट करते हैं, बुरे टाइम में जेब और खराब टाइम में गले। कास्परोव, कुंवारी का दुपट्टा ना बना अपने चेहरे को, बहुत कफन चुराते तेरे जैसे। ओए, सुन, रुक जा। क्या क्या हो रहा है? अभी उड़ाया क्या? हा? क्या है? किसी बुड्ढे के सोने के दांत, हीरे की अंगूठी? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ पायस, एक बक्सा बनाने में पूरा दिन लगा देगा तू? ए जॉनी भाई, हाँ यही है, रोज आता है यहाँ पे, शतरंज खेलने का बड़ा शौक है इसे भी। ओ आजा कस्परा भाई, आजा आजा बैठ। तुशेबाज था तेरा कास्परोव, गेम कारपोव जानता था। चल चेसबोर्ड निकाल। कितनी देर लगा दी, लेडीज आना शुरू भी हो गई है। हाथ मुंह धो ले, बंदा बन जा।
कमेटी निकाल रहे, कमेटी सारी लेडीज आई हुई है। हाँ जी, हाँ सारिका भी आई है। एक मिनट, सारिका नमस्ते कह रहे। नमस्ते, तुहानू भी नमस्ते कह रही है। हाँ जी, समोसे मंगाए सी। और मुकेश बड़ा काम शाम हो रहा है, कभी आके हमारी हेल्प भी कर दिया कर। बहुत ही मासूम है बेचारा। ठीक है, सच का। थैंक यू। फिर अगले हफ्ते चल जाते हैं। तो कब आ रहा है? ठीक है, खन्ना जी तो हेल्प ही नहीं करते हमारी। हाय सच्ची। फन भी करती है, तू ऐसी झेपा मत कर। सुन, सारिका सेबो की पेटी उठाने के लिए कह रही है, चला जाएगा ना? जी, अगले संडे चला जाऊंगा। और सुन, एक एक कप चाय बना दे जल्दी से बेटा। जी बुआ जी। सारिका का फिर फोन आया था, कल छुट्टी है, चले जाइयो। देख, मिस्टर खन्ना तेरे फूफा जी के अफसर है, ऐसे बंदे के घर रद्दी के अखबार उठाने भी जाना हो ना तब भी जल्दी करनी चाहिए। फिर वो तो सेबों की पेटी दे रहे हैं। चले जाइयो, रोटी चाहिए हो तो बोल दियो। अमित, उठ जा पुत्र, 11 बज गए ने। तो गए नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ बुआ जी। जी, सारिका जी हैं? नहीं बुलाया, कोई नहीं है। सारिका जी, की करना आया? जी, मिसेस वर्मा का भतीजा, वो सेबो की पेटी वास्ते आया हूँ। ए गाचू, वो है भूतनी, भूतनी है, गायन है, कजरी है, वो है आफत की पुड़ी, नागन है, नागन सेब नहीं है, फेंक दिए, जाओ भाग जाओ। जी, उन्होंने ही बुलाया था। नहीं है, कोई नहीं है घर में, पहले तो बच के रही, उन तू बिजी बिजी करना, फिर तू मैं गाला कर देगा, तू भी बच के रही, तन भी बंद आएगी, तन बंद आएगी, भाग जाओ। जी। बीजी, मना किया ना आपको दरवाजा खोलने से? कोई आदमी हमारी गर्दन काट के चला जाएगा किसी दिन। अंदर आके दरवाजा लगा देना। जी।
dolls. मेरी हैं। डैडी फॉरेन सर्विस में थे। छोटी थी तो बहुत दुनिया देखी उनके साथ। बैठो। जी आंटी जी वो मम्मी ने नाम नहीं बताया मेरा जी सारिका तुम हमेशा घर के काम में क्यों लगे रहते हो दोस्त नहीं है तुम्हारे क्या बात है डर लगता है मुझसे बच्चे थोड़ी हो तुम जी कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं कौन बीजी बीजी को लगेगा बीजी सोई पड़ी है बॉम ब्लास्ट होगा तो भी नहीं उठेगी जी वो सेवो की बेटी आने में इतने दिन लगा दिए तुमने लास्ट बेटी बची थी सुबह सुबह खन्ना जी ने किसी को दे डाली और आ जाएंगी मेरे शिमले वाले भाई साहब के ऑर्चर्ड से घने हैं लड़कियों जैसे ठीक से कोम किया करो नहीं तो कटवा लो Thank you.
जल्दी है कोई टाइम दिया किसी को हेलो मम्मी सारिका अच्छा मुकेश को जरा बाजार भेजना है कुछ सामान चाहिए था ओ कोई नहीं कोई नहीं देख चार घंटे कॉलेज जाने के बाद करना क्या होता है उसने खाली दिमाग शैतान का कर सारा काम इसी चक्कर में सिखा रखा है उसको कि बस घर में वेला पड़ा ना रहे और सुन हिसाब ठीक से ले लियो हेलो हेलो हाँ पम्मी चल बाद में बात करती हूँ शॉपिंग तो बुआ जी ने सिखा दी बाकी मैं सिखा देती हूँ फिर भी नहा लेना जल्दी में रहते हो बच्चे गई तुम्हारी रानी कुछ कुछ सीख गया कुछ अभी भी बाकी है चेक बाल कटवा लो और कुछ अच्छे कपड़े ले लेना साली कुमारी रान बन गई है
दिल्ली का पानी खराब है, हेयर स्टाइल देखिए दिल्ली लग गए जट्टा नु। सुन बाऊजी का मनी ऑर्डर नहीं आया अभी, तूने जो कपड़े जूते खरीदे हैं। ट्यूशन लगी है एक दो, पढ़े मार रहा है। पर्चे पे तो तूने यहाँ का नंबर दिया हुआ है, एक इंक्वायरी नहीं आई 12वीं पास टीचर के लिए। जी जी वो कॉलेज में लाइब्रेरी ने दिलवाई है, यहीं पाड़गंज में रहते हैं। छुट्टी के दिन कहाँ जा रहे हैं? जी ट्यूशन देने। अशोक घर पे, अपने कान और आंख खुले रखना, जबान बंद। मेरे प्यारा नु बेड़ियां पा रखियां छु, मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हां, आई गल समझ? विजय तुसी ब्रेक लगाओ, नहीं तो मैं तेनु अंदर बंद कर देना है। तेरी वोटी सारा दिन उस मुंडे नाल खेल दी, तेनु कुछ पता? चलो तुसी। आज क्लब जाने में देर हो गई, आगे के लिए मोबाइल दिलवा दूंगी। जी रसीद लेते आना। कौन है ये? ओ अम्मी का भतीजा, बड़ा हेल्पफुल बच्चा है। एक बजे मैं सारिका के घर पे नहीं तो हाना की गाड़ी में था। सोनू और छोटी का जो करना है हम नहीं करना है जी, पर यहाँ तो खुद कोई पूरा नहीं पड़ रहा। मुकेश पुत्र, तू जल्दी से बीए पूरा कर ले, आगे सब तुझे ही देखना है। छोटी और सोनू को होम में डलवा देते हैं, मम्मी अकेली कितना कर लेगी। सोनू छोटी चलो बेटा। ठीक है बेटा, भैया के मिलता रहेगा। चलो मुको सारिका को सब पता था, लेकिन पहले उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन अचानक, तुझे पैसे चाहिए होंगे, अब इस आंटी की हेल्प कर दे, छोटा मोटा काम है पर जरूरी है, तेल चीत ले और तेरा भी काम हो जाएगा, बात कर। हेलो जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। भाई एक मिनट। जी हेलो जी, मैं मुकेश, वो सारिका जी ने भेजा मुझे। हाँ हाँ आओ आओ। जी मेरे से नहीं होगा ये सब।
क्यों नहीं होगा, यहाँ तो बहुत कुछ होता है तुझसे। ऐसे के लिए नहीं कर रहा था मैं। हुआ क्या? पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मुझे लगा ज्यादा है, फिर उन्होंने मेरे साथ, मैंने जब मना किया तो फिर उसने मुझसे तो ये सब नहीं कहा, बहुत खुश थी। उन्होंने धमकी दी कि लोगों कहेगी कि मैं जबरदस्ती घर में घुस आया हूं। मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। अच्छा, कैसा लड़का है तू? ऐसे पैसों के लिए ये सब काम करना? आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा मैंने रख लिया, बाकी तेरा। मुझे नहीं करना ये काम। तो क्या करेगा तू? फर्स्ट ईयर बीए में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। चल ठीक है, मत कर, जा, और कल से यहां भी मत आना। दफाओ। एक चांस दिया था, रोते बिलखते वापस आ गए। शक्ल मत दिखाना अपनी। मुकेश, अच्छा लगता है तुझे रिश्तेदारों के घर नौकरों के जैसे रहना? हाँ, इन पैसों से तू क्या कुछ नहीं कर सकता। अपनी बहनों को अपने पास बुला सकता है, पैसा कैसे आता है ये मत सोच, आता है और आता रहेगा ये जान के खुश रह। और कुछ नहीं तो सोशल सर्विस समझ के कर ले। सोच मत, कर। दूसरों की खुशी के लिए तो वैसे भी बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने लिए कुछ कर। मैं अच्छा नहीं लगता आपको? सब अच्छा लगता है मुझे, तू भी अच्छा लगता है। दिल्ली की सोसाइटी में शादी के लाइसेंस से जो कुछ भी मिलता है सब अच्छा लगता है। सीख गया तू सब, सिखाया मैंने, मजे सब लेंगे। नंबर असली थे, नाम नकली। फोन करके नकली नाम के लिए पूछना होता था। हेलो नेहा जी, अगर सामने वाला ना पहचाने तो? जी सॉरी, गलती से लग गया। सर्विसिंग समझता है ना, जो भी वो कहें चुपचाप करना, खुश रखेगा तभी डिमांड आएगी।
कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। राकेश तो मर गया था ना पिछले हफ्ते। तेरे घर में टीवी नहीं है क्या? टाइम नहीं मिलता, यहीं आपके साथ देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो चल मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या हुआ था। धीरज, तो राकेश शिकारी पलट जाती है और वो खिड़की के बाहर निकलकर नदी में गिर जाता है। धीरज, साले कुत्ते कमीने। और वही गंगा उसे बचाती है। अफेयर करना चाहता था ना तू? दफा। गंगा तो मर गई, अब राकेश वापस आ गया है शहर प्रिया के पास। ये धीरज कौन है? धीरज हुलुदा पट्टा मेरा पति। राकेश फिर से मर गया? अब की राकेश सचमुच मर गया। चल इस एपिसोड को छोड़, पहले मेरा एपिसोड खत्म कर। हेलो छोटी, मनी ऑर्डर मिल गया था? हाँ भैया, लेकिन वो वार्डन बहुत टेढ़े टेढ़े सवाल पूछ रही थी दीदी से। दे सोनू को दे जरा। बात तो तुमसे ही करनी होती है इनको। हाँ भैया। क्या कह रही थी वो? वही सब, किसने भेजा है मनी ऑर्डर, कौन है, नए नए कपड़े कहाँ से आते हैं। भाई है तो मैं कैसे मान लूँ, कमाने वाला है तो तुम्हें यहाँ क्यों रखा है। ठीक है, मैं आके बात करूंगा उससे। छोटी तू जा यहाँ से। हेलो भैया, मुझे ना यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना भैया, वो जो तुमको तंग कर रही हैं? नहीं भैया, वो रात को पीती हैं, बाहर जाती हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्हें लेने आती हैं। वापस आती है तो बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास, वार्डन को भी देती हैं। कल हमें भी कह रही थी साथ चलने को। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं आके देखता हूँ। भैया प्लीज जल्दी आना। चल अपना ख्याल रखना, बाय। हेलो, कल परसों का कुछ मत रखिएगा। क्यों? नहीं, मैं सोनू और छोटी से मिलने जा रहा हूँ, हर सैटरडे संडे को जाऊंगा। सरकारी नौकरी है जो हफ्ते में 5 दिन काम करेगा। कल चला जा, आदत मत डाल चुकी। भाई ये वार्डन ऑफिस किस तरफ है? इस तरफ। इनको लेके क्यों नहीं जाता यहाँ से, ऐसे तो और भी महंगा पड़ेगा। ले जाऊंगा, आप बस। हाँ वो इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत छोटी हैं ये,
और मैंने सुना है कि क्या सुना है इनका कोई नहीं है ये मत सोचिएगा मैं ये फोन लाया था उनको देने के लिए मैं देख ये फोन वोन का शोशा नहीं हाँ फोन है ना यहाँ तेरी बात तो होती रहती है ये बच्चों के लिए कुछ मिठाई इसे रखो और फोन करते रहना अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो फिक्र मत करना मैं पैसे डलवा दूंगा भैया हमें यहाँ नहीं रहना बस कुछ दिनों की बात है मैं फिर तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा प्रॉमिस ओए मॉरिशस क्या वे ज्यादा नहाने से गोरा नहीं हो जाएगा तू साला साल में एक बार नहाता और पूरे मोहल्ले का पानी खत्म कर देता तो हर रोज नहा के क्या करूंगा तेरी तरह साइड बिजनेस थोड़ी ना खोल रखा है मैंने अबे खोल ले साइड बिजनेस खोल ले कम सच में मॉरिशस चला जाइयो नहीं तो जिंदगी भर सपना देखते रहियो और फोटो चिपकाते रहियो अबे क्यों मरे जा रहा है बचा रखा है तेरे लिए पानी ना भी लेना धो भी लेना जॉनी भाई अरे ट्यूशन मास्टर तेरे हेड मास्टर से मिलाता हूँ पीएचडी कर रहा है भाई पीएचडी दिन में केमिस्ट्री में करता है रात में बायोलॉजी में अबे तेरे से तो बेहतर है तू किसमें पीएचडी कर रहा है मुर्दे गाड़ने में बेटा मैं तो निकल जाऊंगा पीएचडी करके तू पढ़ा रही हो या मुर्दों के बीच बेटा टाइम टाइम की बात है टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता समझा चुपे बे टाइम की पैदाइश जानी भाई ये आपके लिए उधार चढ़ा गया तो मुझ पर नहीं डोंट टच मी शुरू में उनके ठीक होने का इंतजार करती थी पता था शायद ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी बाद में उनके मरने का इंतजार करने लगी बिल से नहीं जाती थी मगर थक चुकी थी महीने साल में बदल गए और साल सालों में हर रोज इंतजार कभी उनके मरने का और कभी ठीक होने का आपका कोई और नहीं है हाँ है बेटा है तुमसे थोड़ा बड़ा सिंगापुर में रहता है पैसे भेजता है वहीं से पर आ नहीं सकता बहुत मुश्किल है
हेलो, तुम चलो, अभी थोड़ी देर में सब रिलेटिव्स वगैरह आते होंगे, ठीक है? ओके। एंड लिसन, थैंक्स। यहाँ तो कोई हरकत ही नहीं हुई। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फोन कर रही थी, उठाया क्यों नहीं? हॉस्पिटल में था इसलिए बंद रखा था। चला जा, किराया भरा है तो वसूल तो करना चाहिए। क्या हुआ? बॉडी घर पे छोड़ के आ रहा हूं। चला जा, तुझे घर छोड़ देती हूँ। कुछ दिनों तक घर मत आना। अशोक अजीब मूड में रहता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। आप नाराज हो मुझसे? पति है तू मेरा, जो बहाने से नाराजगी दिखाऊंगी। कुछ कहा है कर बस, कब आना है मैं बता दूंगी। मुझे यहीं उतार दीजिए, कुछ काम है। A good discount. Good discount. Yeah, it's good discount, yeah. Thank you. ये मेरा दोस्त है जॉनी। ठीक है मैं अब चलता हूँ। मुझे क्यों मिला ऐसा? दोस्त है मेरा, यहीं पास में रहता है। मैं कब्रिस्तान में इसके साथ। बताया तो नहीं हमारे काम के बारे में? नहीं, मैंने कहा कि आप मुझे ट्यूशन दिलाने में हेल्प कर रही हैं, बस। अच्छा, शरीर के साथ साथ दिमाग भी तेज हो गया। हाँ बटलर, क्या काम था? घर लेना है मुझे। खरीदना है? नहीं खरीदना नहीं है, किराए पे लेना है। हाँ, ले ले। अरे ले तो लूँ, लेकिन अकेले लड़के को देता कौन है यहाँ? और फिर जब तक घर नहीं होगा तब तक बहनों को बुला नहीं सकता मैं। उसकी फिक्र मत कर, बुला ले अपने बहनों को। घर ही नहीं है तो कैसे बुलाऊं? कह रहा हूँ ना, उसकी फिक्र मत कर। एक आंटी अपनी भी फ्रेंड है। ये फैमिली कहाँ है? ये तो छड़ा है। क्या बात कर दी आंटी जी, मैं हूँ ना मनगी फैमिली। आजकल तो छड़ी भी फैमिली बना लेते हैं। बकवास मत कर जॉनी। अरे नहीं, दो बहुत प्यारी बहन है, आकर रहेंगी साथ में।
बच्चे हुकूम चलाते रहना, हाँ सेवा क्या करेंगी जी? ये किराया कितना है? 3,000। पगड़ी नहीं ले रही हूँ क्योंकि जॉनी लाया है, लेकिन 3 महीने का एडवांस लूंगी। 15 दिन में कमरा खाली हो जाएगा, एडवांस अभी चाहिए। अरे 15 दिन में बहने भी आ जाएंगी, एक आध चाबी दे देना, एक आध एडवांस ले लेना। ठीक है जी, अच्छी बात। देख जॉनी, मेरा कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, नुकसान थोड़ी ना होने दूंगा तुम्हारा, अपना घर है। 15 दिन में फुल एंड फाइनल लक्की। एक भिंडी ले रहा हूँ आंटी जी। दफा। तू क्या चूतिया है, घर मिला नहीं तो एडवांस देने चला था भाई, समझा नहीं तू शहर को अभी तक? जॉनी भाई क्या है? थैंक यू। क्या कर रहा है? ओए, तुझसे बात कर रहा हूं। वो मेरा ड्रॉर है। अबे ड्रॉर मेरा है, तूने चाबी लगा के कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया, बुआ जी ने चाबी दी है मुझे। वह बुआ जी इस घर की चाबी तुझे दे दे तो घर भी तेरा हो जाएगा क्या? फ्री में नहीं रहता हूँ, बुआ जी पैसे मांगती हैं हर महीने। अबे उतना तो तू एक दिन में खा जाता है। छोड़ दूंगा तेरा घर भी और तेरा ड्रॉर भी। बोल मत, करके दिखा। मना किया था ना आने को, इतना क्या जरूरी काम है? इतना भरोसा मत कर मुझ पे। और कहाँ रखूं, कोई भी बैंक नहीं ले रहा है। मैं 15 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। इस बैंक में तो टैक्स लगेगा। जी दरवाजा खुलने की वेट नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह उधर कर लो। हरामजादी, तू किधर भाग रहा है? इधर आ, बोल बोल किधर भाग रहा है? बोल, बैठ इधर, चुपचाप बैठ। मुझे लगता था बुढ़िया सनक गई है, कुछ भी पकती है। फिर एक दिन मेरा माथा ठनका, मैंने सोचा कि तूने अचानक ये झिकझिक से क्यों बंद कर दी? ऐसा क्या हो गया एकदम शांत हो गई तू? हैं? तुझ पे शक तो मुझे कई दिनों से था, लेकिन आज तो गई फंस। आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करता हूं। ओए, बैठ। अंशुद, बैठ और बैठ के सीख। वैसे तो कुछ होता नहीं है तुमसे, इसे देख के हरकत हुई है। साली, मजे तू करे और मुंह काला खन्ना का हो। साली,
मुझे भी खन्ना करेगा और तेरा मुंह कला भी खन्ना करेगा। रात को घर जाने से डर रहा था, नहीं डरना चाहिए था क्योंकि खन्ना तो मेरी कब्र कब की खोद चुका था। चाय लीजिए जी। थैंक यू। नमकीन थोड़ी थोड़ी सी। मुकेश सारिका से कुछ पैसे मांगने आया था दोपहर को, कहने लगा बुआ जी ठीक से खाने को नहीं देती, पकड़ मनी भी नहीं देती। जी जितना बनता है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही है जी। इतने दिनों तो ठीक से ही काम कर रहा था, कोई बदतमीजी भी नहीं की, तो सारिका ने बात सुन ली। अब ऐसे बच्चों को थोड़ी सी हमदर्दी दिखाइए तो उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। ये तो है जी, ये आजकल के बच्चे मतलब विजय के सामने कुछ छप्पी वप्पी कोशिश। सस्ती शराब की बू आ रही थी उसके मुंह से, तो सारिका ने धक्का दे दिया, वो तो जैसे पागलों सा हो गया। जबरदस्ती किस बाँ पकड़ ली उसकी, निशान पड़ गया। जी आने दीजिए जी उसको, मैं उसके फूफा। आने मत दीजिएगा, यही कहने आया था। आपके हस्बैंड की प्रमोशन ड्यू है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन की जगह इंक्वायरी बैठ जाए। मुकेश एक घंटे में सामान बांध और निकल जाए यहाँ से। बुआ जी कहाँ जाऊँ मैं? मुझे नहीं पता, किसी दोस्त के पास जा, होटल में कमरा कर ले अपनी नई कमाई से, आजादी मिल गई है अब तो, ऐश कर, नए जूते कपड़े खरीद ले, शराब तो तूने शुरू कर ही दी है। बुआ जी खन्ना जी ने झूठ बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वो सारिका जी के घर गया था। सारिका के बारे में उड़ती उड़ती सबने सुनी है, खन्ना तेरे को क्यों निशाना बना रहा है पता नहीं, लेकिन तू यहाँ रहा तो तेरे फूफा जी मैं हम सब जरूर फंस जाएंगे, तू तो भाई बख्शी दे। ट्यूशन मास्टर क्या हुआ, इधर क्यों लेटा हुआ?
और इसे साम चल 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 आ आ जा अंदर रख ले सामान मॉरिशस मेरी बुआ जी के संग रहता है हमेशा कहता है अबे तू भी आ जा बुढ़ापे में कौन जाएगा जॉनी भाई मेरे पैसे फंसे हुए हैं कहीं मिलते ही कमरा कर लूंगा एक शर्त है रात को चेस खेल मेरे साथ फ्री में रह ले जब तक तेरी मर्जी सोनू बोल भैया आप कब आ रहे हो एक तारीख से पहले आ जाऊंगा क्यों कुछ हुआ है नहीं भैया वो आप जल्दी आ जाओ आ जाऊंगा तू बेचैन मत हो चल बाय बाय हेलो हेलो जी कविता जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ कौन मुकेश यहाँ कोई कविता नहीं है हेलो जी आप डोंट कॉल मी अप अगेन हेलो 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 मिस रीना जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी आपने फोन नहीं किया इसलिए मैंने सोचा कि जी रॉन्ग नंबर काजल जी बोल रही हैं मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी उषा जी जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ वंदना जी रॉन्ग नंबर जी अब से फोन नहीं करूँगा हेलो सारिका जी मना किया ना फोन करने को दोबारा मत करना जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी जी सॉरी कौन है मम्मा कुछ नहीं बेटा कोई है एड्रेस पूछने है अच्छा सॉरी इट्स ओके सारिका से मिलना जरूरी था और एक ही जगह थी जहां मैं उससे मिल सकता था वो और कहीं जाए ना जाए हर मंडे पार्लर जरूर जाती थी तू यहां क्या कर रहा है तू जा अभी यहां से वो आ रहा है मारा उसने तुम्हें नहीं तो क्या मेडल देगा मेरी बहनें आ रही हैं मुझे मेरे पैसे चाहिए हाँ भाई हो गया चलो हाँ कल की अपॉइंटमेंट है
ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग। जॉनी भाई। हाँ। मेरा एक काम कर दोगे? क्या? आपको रेलवे कॉलोनी जाना होगा, बसंत लेन में, उसी आंटी के पास। तो तू क्यों नहीं चला जाता? बुआ जी से झगड़ा नहीं करता तो चला जाता। अच्छा। वहां बुआ जी ने देख लिया तो प्लीज। काम क्या? दोपहर में सोना, किस्मत में रोना। देख, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, तेरे जितने बनते थे सारे तुझे दे दिए। तेरी आंटी ने तुझे घर में भी घुसने नहीं दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हस्बैंड को बुलाऊंगी, तेरा नंबर दे दिया पुलिस को, तेरे नाम की एनसी निकलवाई हुई है। क्या कर रहा है, मर रहा क्या मुझे बुढ़ापे में? मेरा धंधा बंद कर दिया, मुझे घर से निकलवा दिया, अब मेरे पैसे नहीं देगी मुझे? पैसे नहीं देगी मेरे मुझे? मेरी बात क्या समझती, क्या है वो? बात सुन। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्या? डर लगता है मुझे क्या उससे? समझती क्या है वो? होश में आ। क्या कर रहा तू? क्रांति करेगा? पता नहीं तू क्या ट्यूशन पढ़ाता है, पर मेरा पाठ सीख ले। तू अपना सिम कार्ड निकाल दे, सिम कर दे। अरे दूर हो जाओ उन लोगों से, बहुत पैसे वाले लोग हैं, फंसा देंगे। समझता नहीं बात को? सिम कार्ड दे दे पहले, फेंक दे। सिम कार्ड फेंक दूंगा तो बहने फोन कैसे करेंगी? तो मेरा नंबर दे देना। अगर आपको कोई फोन किया तो? तूने कभी इस फोन को बचते देखा? हाँ मुर्दे फोन करेंगे। ले मेरा नंबर दे देना। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, काट के रख दूंगा उसको। फिर वही बकवास, दारू भी खत्म होगी। चला चला, ये शहरी सलाह घाट सलाने के लिए आगे बढ़ाते हो? ये लो भाई, भरोसा कर रहे, थोड़ी सलाह दो, ये पीछे से लेके चले जाएगा। जानी भाई। हाँ। बहनों को नंबर दे आता हूँ। हाँ, उनको ज्यादा कुछ नहीं बताना, टेंशन मत देना। हेलो सोनू। भैया आप ठीक तो हो ना? ये नंबर किसका है? ये एक दोस्त का नंबर है। तुम लोग बाहर हो क्या? इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? भैया हम वहाँ से भाग आए, हम दिल्ली आ रहे हैं। भाग आए हो मतलब? अरे पागल हो गए हो क्या? हो क्या रहा है वहां पर? भैया मैं आपको सब आके बता दूंगी। अरे बच्चे हो क्या तुम लोग? हाँ, अरे बोला था ना कुछ दिन रुकने को। भैया प्लीज डांटो मत, वो वार्डन। क्या किया वार्डन ने?
सोनू क्या किया वार्डन ने बता मेरे को वो वार्डन छोटी के कमरे में पी के घुस गई थी भैया मैं कल आके आपको सब बता देती हूँ मैं स्टेशन से आपको सोनू सुन देख अपना ख्याल रखना ठीक है पैसे है ना तुम लोगों के पास जी भैया पहुँचते ही फोन करना मैं लेने आऊंगा जी ले खींच ले जॉनी भाई कुछ पैसे उधार दे सकते हो मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको पैसे मेरे पास पैसे होता तो मैं कब का मॉरीशस चला गया होता मास्टर मुर्दों के लिए काम करता हूँ एक मुर्दा एक वक्त का खाना कम से कम इसलिए जिंदा हूँ कि हर रोज लोग मरते हैं नहीं तो कब का कट लिया होता मॉरीशस रेत खुला आसमान तू जवान है तुझे बहुत चांस मिलेगा भाई जरा एक मिनट रुकियो पहली रात है इसलिए साथ है कल से अपने आप एरिया बदल लियो डरियो मत चल करना है पहले मैं जाऊं पैसे कितने मांगू 2000 इससे कम मत लियो दर्द की दवा है पी ले और पी ले मर्द को भी दर्द होता पी 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 चल तू जा धंधा शुरू जा जाएगा हाँ कितने देगा अरे चल तो सही बधेरी चेक कर ली आज चिकने नहीं चेक कर लो तीन लोग हो फिर क्या टिक्का करेगा तू तीन लोगों के पैसे लगेंगे हैं तीनों के मिल जाएंगे पर एक बार तू रेंता ले ए भाई साहब बुला रहे हैं डर क्यों रहा है क्यों पहली बार गुल्लक पड़वाऊंगा के एक के 2000 लगेंगे हैं
यहाँ का यही रेट है। यहाँ का लाइट में खड़ा है तू? गहरे इसने भी तक मेरा ससुर भाई साहब से जुबान लड़ा रहा है तू? पहले पैसे दो। बेटी चल मारूंगा ठोड़। ओले इधर ओले। अंदर जाने दो मुझे। मेरा ससुरा बिलायती हो रहा है। उतारो मुझे। अरे बैठ जा ससुरे। लाओ गाड़ी। दरवाजा खोलो। रोको गाड़ी। मुकेश क्या हुआ? दिखा दिखा क्या हुआ? देख मुझे पूरी स्टोरी पता नहीं क्या है, ये सब छोड़ दे, भूल जा सब कुछ, नए सिरे से शुरू करते ना। मैं अपने हक का तो छोड़ूंगा नहीं जॉनी भाई। जी दीजी, सिर फिर गया है तेरा। क्या चाहता है? तेरे इश्क में नहीं आया हूं, मेरा काम बंद हो गया है। तेरा काम बताए तो तेरे दोस्त को। किसने कराया? तुझे क्या लगता है? खन्ना ने। क्यों? उसे ना तो काम के बारे में कुछ मालूम था और ना लड़कों। लड़के और भी थे। और भी थे। आखिरी बार पूछ रहा हूं,
पैसे कहाँ हैं? अलमारी में 2000 पड़े हैं, बीजी को छोड़ दे। पैसे ले और चलता बने यहाँ से। अगली बार नजर आया तो अशोक इंतजार कर रहा होगा तेरा। भीख मांगने नहीं आया हूँ, मेरे अपने पैसे चाहिए मुझे। हाँ तो जिसने लिए उसे जाके पूछ। तेरे पति से? जितने तूने इतने दिन अपनी मरा मरा के कमाए अशोक एक दिन में कमाता है। अपने दोस्त से जाके पूछ। साला शक्ल से चोर नजर आता था। झूठ मत बोल। अरे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। इतने दिन कुछ नहीं सीखा ना मुझसे सेक्स के अलावा? चल मेरी बात मान, थोड़ा टाइम वेट कर ले, काम फिर से शुरू हो जाएगा। अभी निकल यहाँ से, अपनी बहनों के बारे में सोच कम से कम। अरे नहीं धसना तेरे इस कीचड़ में वापस, मुझे मेरे पैसे चाहिए आज और अभी। सारे का दरवाजा खोल। प्लान बनाते टाइम ये सोचा था? सारिका मुझे पता अंदर कोई है, दरवाजा खोल दे। सारिका दरवाजा खोल दे, नहीं तो पूरी कॉलोनी इकट्ठा करूंगा मैं आज। सारिका दरवाजा खोल, आज पूरी कॉलोनी तेरा तमाशा देखेगी। मुकेश मेरे पास है। सारिका मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, आज तेरी इज्जत का कमाल निकालूंगा मैं। चाकू मार मुझे। क्या? जान से नहीं मारना, सिर्फ टच करना। सारिका, सारिका दरवाजा खोल देने तो तोड़ दूंगा मैं। सारिका दरवाजा तोड़ दूंगा मैं बोलता हूँ। हम दोनों को मारते करो। मैं बोलता हूं दरवाजा तो जॉनी ने नहीं, हर बार तूने धोखा दिया और आज तू फिर से बचना चाहती है। नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं।
जॉनी, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई, हेलो हेलो मुकेश बोल रहा हूँ जॉनी है कौन कार्पो हाँ वो तो कट लिया मॉरिसस लंबा आदम आ रहा है साले ने हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए आप कहाँ हो भैया भैया कितनी देर से वेट कर रहे हैं स्टेशन के बाहर आप आ रहे हो ना तुम लोग वहीं ठहरो मैं आ रहा हूं Thank you.
साले, आज बक्कल तारे नहीं तेरी। घटा जाएगा बैंड चोद। ओए, ओए! Thank you.